ये देखिए कि उधर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ कोलकाता की सड़कों पर हल्ला बोला हुआ है। बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे जो हैं वहां के प्रदेश के जो नेता हैं वो इस वक्त आप यहां पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से एकदम पूरी एक मार्च निकालते हुए प्रदर्शन करते हुए आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। और ये सुवेंदु अधिकारी को आप देख रहे थे, उनको पुलिस हिरासत में लिया गया। लॉकेट चटर्जी से लेकर तमाम बड़े जो उनके चेहरे हैं, जो नेत्री हैं, अग्निमित्रा पॉल को भी आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे, वो हम आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता में बीजेपी का ये जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है, और हर दिन एक नई स्ट्रैटेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां कोलकाता की सड़कों पर उतर रही है, निकल रही है। ये देखिए किस तरह की स्थिति उस वक्त थी, बैरिकेड्स भी तोड़ दिए गए थे। ये कोलकाता में प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ममता सरकार पर फूटा किस तरह से बीजेपी का गुस्सा, कोलकाता में बीजेपी के प्रदर्शन की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। फिर उनको कंट्रोल में करने के लिए वहां पर जो फोर्स उस वक्त थी, तो देखा आपने बीजेपी का ये प्रदर्शन। लेकिन सुवेंदु अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले आप उनकी तस्वीर देख रहे थे, उनको जब हिरासत में लिया गया, पुलिस हिरासत में लिया गया, क्या कह रहे हैं सुवेंदु अधिकारी, सुनना। बंगाल भाजपा की ओर से जो हादसा हुआ उसके खिलाफ, उसमें जस्टिस दिलाने के लिए और ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन के डिमांड को लेकर आज हेल्थ जो हेडक्वार्टर है शास्ता भवन अभियान चल रहा है। बीजेपी लड़ रहा है, जस्टिस मिलना चाहिए और ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, सुवेंदु अधिकारी ये कह रही है। और ये न्याय की लड़ाई ही दरअसल सड़कों पर लड़ी जा रही है। और उधर कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर सुनवाई की। मेरी सहयोगी अनामिका सिंह काली इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, हम देख रहे हैं कि वहां कोलकाता की सड़कों पर किस तरह से हल्ला बोला जा रहा है, बीजेपी जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है, पूरी मुखरता के साथ इस मुद्दे को उठा रही है और हर दिन एक नई स्ट्रैटेजी के साथ आ रही है। और देखिए हिमानी, पश्चिम बंगाल सरकार पे बहुत सारे सवाल हैं, सवाल के साथ साथ आरोप है। आरोप दरअसल ये है कि जिस बिटिया को न्याय देना चाहिए था उस मामले में हीला हवाली की गई, लापरवाही की गई, मामले को दबाने का प्रयास किया गया। और इसी के चलते आज तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं हजारों की संख्या में उनकी ओर से कूच किया गया सरकारी भवन की ओर, जो स्वास्थ्य विभाग का भवन है उस पर कूच किया गया। हालांकि प्रशासन की ओर से भी तैयारी पूरी की गई थी, भरसक प्रयास किया गया कि वो ना पहुंचे, लेकिन तभी देख रही होंगी आप किस तरीके से यहाँ पे जो पुलिस की बैरिकेटिंग देख रही होंगी आप, चाहे वो तमाम वो रास्ते ब्लॉक कर दिए गए, अभी भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। थक हार करके स्वास्थ्य भवन के कुछ मीटर पहले ही कार्यकर्ताओं को यहां पर रोका गया, जो यहां के बड़े नेता हैं उनकी ओर संबोधित किया गया। इसके अलावा जो कि शुभेंदु अधिकारी को हिरासत में ले लिया गया, दिलीप घोष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके बाद यहां पर जाके जो कार्यकर्ता है वो अपने अपने घरों के लिए रवाना हो पाए हैं। कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं पुलिस की लाठीचार्ज में, कुछ कार्यकर्ता गिर गए थे, कुछ महिलाएं यहां पर घायल हो गई थी। उनकी ओर से यह प्रयास था कि वो स्वास्थ्य भवन पहुंच के अपनी जो नाराजगी है वो जाहिर करें, अपनी आवाज को बुलंद करें। कई किलोमीटर चलने के बाद वो यहां तक पहुंच पाई थी, लेकिन यहां पर जिस तरीके से पुलिस की ओर से, सीएसएफ की ओर से, सीआरपीएफ की ओर से, आरएएफ की ओर से जो बंदोबस्त किए गए थे उनको आगे ना बढ़ने देने को लेकर के उसके चलते पुलिस से झड़प भी हुई, उनकी नारेबाजी भी हुई। इसके अलावा काफी देर तक हंगामा चलता भी रहा। बाद में शुभेंदु अधिकारी को हिरासत में ले जाया गया यहां से लाल बाजार के लिए, और बाकी जो कार्यकर्ताओं को तीतर बितर कर दिया गया। ठीक है, तो यानी कि कुल मिलाकर के लौटूंगी आपके पास, बिल्कुल तस्वीरें सुबह से जो आप दिखा रही हैं उन तस्वीरों को हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन देखिए हम ये भी बता रहे हैं कि सीबीआई ने आज जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, वो स्टेटस रिपोर्ट और उस स्टेटस रिपोर्ट में कौन कौन रडार पर हैं, ऐसे 25 किरदार जो हम यहां पर आपको बता रहे हैं सीबीआई जांच के, ये 25 किरदार हैं। किरदार नंबर एक से अगर हम शुरू करें तो वो कौन है, वो है जिसकी पहली गिरफ्तारी होती है और रेप और हत्या का मुख्य आरोपी यानी कि संजय रॉय, ये पहला किरदार है और ये हम दिखा रहे हैं जो स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई ने मेंशन भी किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें किरदार नंबर दो की, तो किरदार नंबर दो है पूर्व प्रिंसिपल आरजी कर मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें संदीप घोष, जो पहले दिन से ही सवालों के घेरे में रहे, अस्पताल में गड़बड़ी का आरोपी है कौन, संदीप घोष। सीबीआई ने सात बार, आज सातवां दिन है, यह पूछताछ आज भी चल रही है
और जैसे जैसे ये पूछताछ आगे बढ़ रही है तो गिरफ्तारी की तलवार उतनी ज्यादा आप ये कहिए कि प्रगाढ़ वहां पर होती जा रही है। और किरदार नंबर 3 की अगर बात करें तो जिसने सबसे पहले डॉक्टर की लाश देखी थी, ये ऐसे 25 किरदार हैं। किरदार नंबर 4 से 5 की अगर बात करें तो इंसाफ मांगते महिला डॉक्टर के माता पिता, ये एक एक किरदार जो सीबीआई की रडार पर हैं, जिनके बयान दर्ज हो चुके हैं या जिनके बयान दर्ज होने हैं और क्या कुछ निकलकर अभी तक की जांच में सामने आया है, ये वो किरदार। नंबर 6 की अगर बात करें तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, उनसे भी पूछताछ की गई। किरदार नंबर 6, परिवार को हत्या की बजाय आत्महत्या की जानकारी दी गई। अब ये कौन था जिसने हत्या की बात नहीं कही बल्कि ये कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है। किरदार नंबर 7 से 10 की अगर बात करें, जो रडार पर सीबीआई के मृतका के साथ रात में साथ खाना खाने वाले जो साथी डॉक्टर्स हैं, जो उसके मित्र डॉक्टर्स और बाकी रहे वो। किरदार नंबर 11, रात में खाना डिलीवर करने वाला वो डिलीवरी बॉय। किरदार नंबर 12, एएसआई अरूप दत्ता, उसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आरोपी संजय अरूप दत्ता की बैरक से ही गिरफ्तार हुआ था, ये वो पुलिस वाला जिसके साथ कई तस्वीरें जो हैं संजय रॉय की वो वायरल हो रही है। किरदार नंबर 13, सौरभ, जो कि घटना वाली रात किस तरह से वहां नजर आता है और सीसीटीवी में भी देखा गया। इसके अलावा किरदार नंबर 14 से 17 की बात करें तो मृतक महिला डॉक्टर के करीबी जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनसे भी पूछताछ, कुछ से हो चुकी है कुछ से होनी अभी बाकी है। किरदार नंबर 18 से 22, वो कौन कौन है जो पोस्टमार्टम करने वाले 5 डॉक्टर्स हैं, उनसे भी कई तरह की जानकारियां सामने निकल कर आई और वो बकायदा उस स्टेटस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। किरदार नंबर 23, बुलबुल, आरजे कर मेडिकल कॉलेज की अधिकारी, ये भी एक अहम कड़ी इस जांच को आगे बढ़ाने की। किरदार नंबर 24, चेस्ट विभाग का वो अधिकारी जहां पर रेनोवेशन का काम शुरू हो जाता है, इससे ठीक सामने सेमिनार हॉल था जहां पर यह वारदात घटी, क्या किसी को उसकी चीख पुकार सुनाई नहीं दी, ऐसा कैसे हो सकता है। किरदार नंबर 25, 49 ग्राउंड स्टाफ जो उस रात ड्यूटी पर थे तैनात, ये वो किरदार नंबर 25, जो 25 ऐसे किरदार हैं। और आइए इसी पर हम हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जो लगातार पहले दिन से इस पर अपनी रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं और वो रिपोर्ट हम आप तक दिखा रहे हैं। लेकिन जतिन, ये किरदार नंबर 1 से 25 तक हमने दिखा दिए, ये सीबीआई की रडार पर हैं, इनमें से अब तक क्या क्या ऐसा हम देखें जिनसे पूछताछ, क्योंकि आपने कहा कि कई से हो चुकी है पूछताछ, कई लोगों से अभी पूछताछ होनी बाकी है और बाकायदा मेंशन भी किया गया है, और कौन कौन पूछताछ के लिए बुलाए गए हैं अभी तक। बिल्कुल, देखिए इमानी, सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दे दी है और इन सभी 25 किरदारों का जो भी इन्वेस्टिगेशन अभी तक निकल कर आया वो सभी सीबीआई ने कोर्ट में बता दिया है। लेकिन अभी इस केस में डेवलपमेंट जो अभी हुआ है कि जो पूर्व प्रिंसिपल है संदीप घोष, उसको लेकर और 5 और डॉक्टर, यानी कि कुल मिला के 5 लोगों को लेकर सीबीआई की जो टीम है वो सियालदा कोर्ट के लिए निकली है। संभवतः 2 ऑप्शन अब सीबीआई के पास है, एक मजिस्ट्रेट के सामने बयानों को दर्ज कराया जाए जिसमें पूर्व प्रिंसिपल के भी बयान दर्ज होंगे, साथ ही जो 4 और डॉक्टर्स जो कि विक्टिम के बेहद नजदीकी बताए जाते हैं, ये वो लोग हैं जिनके साथ रात को 11 बजे डिनर किया था, इन 5 लोगों के मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दर्ज कराए जा सकते हैं। हालांकि दबी जुबान में सीबीआई के कुछ अधिकारी ये भी बता रहे हैं कि पॉलीग्राफिक टेस्ट इनका करवाने की जो अर्जी है वो भी कोर्ट में दी जा सकती है, क्योंकि उस टेस्ट के लिए दोनों का कंसर्न होना बहुत जरूरी है, कोर्ट का भी और जिसका आप टेस्ट करेंगे उन दोनों का भी। मजिस्ट्रेट के सामने बयान की बात, जतिन कुछ डॉक्टर्स को ले भी गए थे ये बताया जा रहा है कोर्ट में। आज बिल्कुल, 4 डॉक्टर्स हैं, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, उनके अलावा 4 और डॉक्टर्स हैं जो कि उस विक्टिम के साथ में जो दोस्त है वो बताए जा रहे हैं, ये वो लोग बताए जा रहे हैं जिनके साथ रात को 11 बजे विक्टिम ने आखिरी बार लंच किया था, आखिरी बार मुलाकात इन्हीं से हुई थी, उसके बाद वो वार्ड में चली गई उससे अपनी ड्यूटी की और उसके बाद वो 3 बजे के आसपास सेमिनार हॉल पहुंचती है। तो इन 4 और एक 5वां जो पूर्व प्रिंसिपल है, इन 5ों के स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराने की जो प्रक्रिया है, जो भी हमें इनिशियल जानकारी मिल रही है सियालदा कोर्ट में, जिसको आईपीसी की धारा या सीआरपीसी की धारा में 164 के स्टेटमेंट हम बोलते थे, लेकिन अब बीएनएस आ गया है तो उसमें कुछ सेक्शंस में बदलाव है, लेकिन प्रोसीजर सेम है कि मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट को दर्ज कराया जाएगा, जिसको बाद में सीबीआई एज अ प्रूफ कोर्ट में जब ट्रायल शुरू होगा तो सबमिट भी कर सकती है। लेकिन दबी जुबान में दूसरा एक और इस पूरे मामले में चीज निकलकर सामने आ रही है कि पॉलीग्राफी टेस्ट, पूर्व प्रिंसिपल का पॉलीग्राफी टेस्ट और साथ ही जो 4 उसके दोस्त है उनका पॉलीग्राफी टेस्ट, क्योंकि कंसर्न जरूरी है। बिल्कुल, जतिन आप यहां पर अहम जानकारी यहां पर दे रहे हैं। बिल्कुल।